हेलो गाइस, वेलकम टू अ सुपर फ्रेश वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल अलग कंटेंट लेके आए हैं। तो ये 2011 की हुंडई वरना जो मेरे दोस्त ने परचेज़ किया है, वो बेसिकली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है तो वहाँ घूमने घामने के लिए उसने परचेज़ किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2011 की डीजल वर्जन लेना वर्थ इट है कि नहीं। तो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। हुंडई की बैजिंग आ जाती है, यहाँ पर हेलोजन बल्ब है जो आफ्टर मार्केट ने LEDs लगाई हैं। साथ में आते स्टार्टिंग में फॉग लैम्प्स, इसमें भी इसने LED इंस्टॉल करवाई हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे अलॉय व्हील है, ये 2011 का S6 वर्जन है, टॉप ऑफ द एंड। तो यहाँ पे आ जाते हैं साइड इंडिकेटर्स इसके मिरर्स पे। तो ये दोनों आगे भी डिस्क है और पीछे भी डिस्क है। तो ये होगी साइड प्रोफाइल की बात। अब बात कर लेते हैं पीछे से। तो बेसिकली ये रहा इसका बैक साइड। पीछे पूरा हैलोजन है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं की हुई है। 1.6 की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है वरना S6। यहाँ पे रिवर्स कैमरा सेंसर भी मिल जाते हैं और ये रहा रिवर्स कैमरा। तो ये इसका साइड डोर कुछ ऐसा दिखता है। ये चारों पावर विंडोज़ हैं। तो एक जो 1 push down है ये लॉक अनलॉक के लिए, ये है चाइल्ड लॉक, ये साइड मिरर से कंट्रोल है और ये मिरर बंद करने के लिए। तो ये रहा मेरा दोस्त आशीष जिसकी गाड़ी है रिच किड्स जम्मू के। तो ये हम आ गए गाड़ी की सीट पे, बैठ गए। तो सबसे पहले जो फील होता है कि गाड़ी काफ़ी प्रीमियम फील होती है। तो उसके बाद आगे हम स्टेयरिंग पे आते हैं। हुंडई की बैजिंग यहाँ आपको मिल जाती है और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल हैं। ये कॉलिंग के लिए है, ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए और मोड के लिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस टाइम इसका कुछ ऐसा दिखता था। 220 तक इसकी टॉप स्पीड है। आशीष भगाई कितनी सही से बता? भगाई तो 120 तक भगाई है फिलहाल। तो बाकी जरूरत नहीं पड़ी इतने लॉन्ग रोड, 6 गियर मिनिमम होते हैं तो आगे जरूरत नहीं पड़ती इतनी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना इसमें। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ये ऑटोमेटिक AC है, 6 speed आता था ये पहले भी। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा 12 volt का चार्जर और ये क्या पेन ड्राइव कंट्रोल है, पेन ड्राइव बॉक्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, एडजस्टेबल है ये पीछे। हाँ, बिल्कुल। ये लगवाई है कि पहले की लगी? पहले की लगी हुई है। हाँ। तो ये रहा यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। हाँ। ये रहे इसके कप होल्डर। तो ये इसमें 6 gear थे जो मैं कैमरा की बात कर रहा था, ऐसा कुछ दिख जाता है पीछे तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है इसमें। तो ये आगे एयरबैग की बैजिंग। बेसिकली 2 airbags मिलते हैं, एक बेसिक यहाँ पे और एक यहाँ पे। साथ ही में नीचे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आप गाड़ी के पेपर्स वगैरह रख सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो है AC का वेंट भी दिया गया है, तो कोई पानी वानी रखना हो ठंडा वंडा करने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं वैनिटी की। तो यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है जो बेसिकली आज की गाड़ी में मिसिंग है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इस गाड़ी में सनग्लास होल्डर भी आपको मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि सनग्लास आज की डेट में सब कैरी करते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाती है कैबिन लाइट्स, तो सेम लाइट्स आजकल क्रेटा में भी आ रही हैं, यहाँ पे और यहाँ पे भी है कैबिन लाइट्स। तो अब आ जाते हैं रियर सीट पे। तो बेसिकली रक्षु की हाइट है जो 6 feet के आसपास है। तो इससे बात करेंगे, रक्षु तो बैठा हुआ है, इसमें अंडर थाई सपोर्ट कैसा दिख रहा है तेरे को? ठीक है, डिसेंट है। हाँ, और हेडरूम भी मतलब ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा ही फर्क। और तो 6 feet तेरी टांगे तो नहीं अगर टच हो रही? ना, टांगे लेग रूम भी सफिशियंट है। तो कंफर्टेबल सीट है बॉडी। तो जैसा कि आप देखा कि 6 feet का बंदा पीछे बैठा हुआ तो आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ। लॉन्ग राइड्स के लिए कैसा रहेगा? लॉन्ग राइड के लिए बेस्ट है और कंफर्टेबल बहुत है, मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है। तो मैं पीछे आके बैठ चुका हूँ। तो मेरी हाइट है 5'7", तो अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है, हेडरूम तो काफी सफिशियंट है और मैं काफी कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ। तो पीछे जो मुझे एक कम लगी, एक है AC वेंट की और साथ में एक चार्जिंग सॉकेट की। साथ में रियर सीट में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, थोड़ी स्टोरेज स्पेस भी है इसमें, आराम से आप उन्हें चीजें कैरी कर सकते हो। ये रहा कुछ गाड़ी का इंजन कुछ ऐसे दिख रहा है। तो बेसिकली ये 1.6 डीजल। तो ये रहा पीछे टर्बो, नई बैटरी से इंस्टॉल करवाई है। ये रहा फ्यूज बॉक्स और ये आपको सामने रहा एयर फिल्टर। देख के ऐसा लग रहा है 2011 का मॉडल नहीं, अभी फटाफट मतलब पूरा इंजन जो है नया लग रहा है। तो आशीष कैसा एक्सपीरियंस है चला के इसको? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपने लेनी है तो आप चेक करवा सकते हो मैकेनिक से, पर ये बात ध्यान रखना कि जो जिसे ले रहे हो डीलर से उनके काफी मैकेनिक दोस्त होते हैं। हाँ। तो वो आपस में बात कर लेते हैं तो हाँ। प्रॉब्लम बताते नहीं मेन। तो आपको हाँ। अपना मैकेनिक होना चाहिए, अपना कोई अपने जान पहचान वाला अच्छे से बता देगा प्रॉब्लम क्या, एक्सीडेंटल है या नहीं। इंजन ये मैटर करती है, इंजन ठीक ठाक है या नहीं। तो अब तूने बेसिकली कितना किलोमीटर चला लिया हिसाब से थोड़ा आइडिया से बता दे? अभी 3000 के आसपास चला लिया 1 month में। तो कोई दिक्कत आई अभी तक? कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर बेसिकली जैसे पूछा रहे कि बंदा कोई बाहर पढ़ने जाता है या किसी को भी बेसिकली मतलब सेकंड हैंड कार परचेज करनी चाहिए तो कैसा देगा, थम्स अप देगा कि नहीं? हाँ, ये बकचोदी है। आपको बस मैकेनिक अच्छे से चेक करवा लो क्योंकि प्रॉब्लम है नहीं, एक्सीडेंटल है या नहीं ये चेक करवा लो। बाकी बेसिकली ये गाड़ी अभी जो है चंडीगढ़ से आई है, चंडीगढ़ से जम्मू लेके आया है। हाँ, और ये अप्रोक्स 350 किलोमीटर होगा चंडीगढ़। हाँ, तो कैसा रहा मतलब लॉन्ग ड्राइव में कुछ ऐसा दिक्कत? रूट में बिल्कुल ऐसे पूरी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब सही चल रहा है बिल्कुल। हां, परफेक्टली आ गए, कंफर्टेबली पहुंच गए। जैसे कि आप सबको पता होगा सेडान गाड़ी है, 165 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है जैसे आप देख रहे हो। तो
कभी चंडीगढ़ में तो नीचे लगी नहीं होगी वैसे, वहाँ पे रोड का रोड तो चंडीगढ़ में काफी मक्खन है, बट यहाँ पे कहीं पे देखो दिक्कत आई अभी तक? यहाँ पे फिलहाल तो कोई दिक्कत आई नहीं है, अभी कल पहुंचा था मैं, देखते हैं और चला के देखेंगे रोड पे कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो बेसिकली अभी थोड़ी देर में करने वाला कि पहाड़ी इलाके में जाने वाला है, तो वहाँ पे हमको बताएंगे कि पहाड़ी इलाके में गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, वो रही बात की बात। तो ये रही गाड़ी की जो कि फ्लिप की है, कुछ ऐसे दिखती है। तो बेसिकली ये की जो है वो नहीं बनाई गई, आशीष क्यों बनाई थी? ये पुरानी प्रॉब्लम देती थी, थोड़ी सी ढीली सी हो गई थी, ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी है ना, तो 10 साल पुरानी, तो प्रॉब्लम देती थी, नहीं बनवानी पड़ी मेरे को। तो बेसिकली ये जो खर्चा है इसकी फ्लिप की बनाने में वो है 3,000 रुपए, पर अभी तो मतलब हाथ में पकड़ने काफी प्रीमियम लग रही है। तो अब चेक करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस। तो ये रही, तो बूट से स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है, मतलब 3-4 जो बड़े बड़े बैग हैं अगर आप जा रहे हो टूरिंग वूरिंग पे तो आराम से आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका 465 लीटर का बूट स्पेस है, लाश वाश भी एक दो बंदे के यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, ठीक है। क्लच क्लूच ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके, वो पुरानी हो जाती है। तो हम आ गए हैं अब इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो खाली से रोड देते हैं, थोड़ी सी पिकअप चेक करेंगे इसकी क्या सीन है क्या नहीं। और क्या चाहिए लड़के घुमाने के लिए, सही है। तो बहुत बहुत थैंक यू आशीष को अपनी गाड़ी दिखाने के लिए, तो अपना मतलब ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने के लिए। तो ये रहा रिव्यू, मतलब अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करते हो जैसे कि इसने की है, क्योंकि स्टूडेंट है ये चंडीगढ़, मतलब पढ़ने गया हुआ है अपने टाइम पास के लिए, तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इसने बता दिया कि हाँ भाई अपने दम पे लो, मतलब मैकेनिक वैनिक से चेक करा लो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस का अभी तक रहा है। हाँ ऑब्वियसली अब तूने चला लिया है तो वही तो कह रहा हूँ, तो सही मिलेगी चेक वाली अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे में। अभी अगर आपने लेनी है तो फिर आप चेक वगैरह करा सकते हैं बिल्कुल मैकेनिक से अच्छे से, वो बता देगा। तो देख लो, वैसे भी रिच किड्स हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बता। चलो तो ये रहा ह्युंडई वर्ना 2011 का रिव्यू, तो अगर आप लोग को लेनी है तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन मार्केट में फ्रॉड्स बहुत सारे हो गए हैं, लेनी है आप ले सकते हो, अच्छे से चेक वेक कराओ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और स्पेशल थैंक्स टू आशीष और हमारे हेड मैकेनिक रक्षु।